आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती के बारे में। दो शिक्षक भर्ती जो 69,000 और 97,000 दोनों शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लें कि अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी कर ली गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों गिरफ्तारी की गई, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। और साथ ही आज एक बड़ा धरना रखा गया है और धरना किस संदर्भ में रखा गया है, क्यों रखा गया है, आखिर क्या कारण है धरने का, तो आज दोनों बातों पे बात करेंगे। साथ ही जो 69,000 शिक्षक भर्ती की 22,000 सीटों को जोड़ने के मामले में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। अभ्यर्थियों की बस इतनी ही मांग थी कि जो सीटें बची हुई हैं उसको जोड़ दिया जाए 69,000 में। और हम लोग जितने भी अभ्यर्थी वहाँ थे उन्होंने कहा कि हम लोगों को इसमें शामिल होने का मौका दिया जाए, लेकिन अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी गई। और क्या किया गया, अभ्यर्थियों की इस 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी सीएम आवास लखनऊ को घेरे थे और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। अभ्यर्थियों को कैसे भर के ले जाया जा रहा है, यहाँ साफ नज़ारा आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को एक मैजिक में भर कर ले जाया जा रहा है और ये गाड़ी जो है अभी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, धक्का दे के गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे भी यहाँ से हटें। भर भर करके अभ्यर्थियों को वहाँ से हटाया गया क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में वहाँ पर एकत्रित हो गए थे और अभ्यर्थियों को वहाँ से हटाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर नहीं हटाते तो उनकी नौकरी पर भी सवाल खड़े हो जाते जो कि बड़े अधिकारियों द्वारा की जाती है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को वहाँ से हटाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थियों की बात तो सुननी चाहिए थी, अभ्यर्थियों की बात नहीं सुन रहे थे, इसीलिए तो अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया के लिए बाध्य थे। वे मुख्यमंत्री आवास को घेर रहे थे या वहाँ पहुँच गए थे। अगर मुख्यमंत्री उनकी बात को नहीं सुनते हैं या उस पर आश्वासन नहीं देते हैं तो यह अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी नाराजगी का विषय बन जाता है। ऐसे में अभ्यर्थी अपने तरफ से बस इतना ही कहना चाहते थे कि हम लोग 22,000 सीटों को जोड़ने में थोड़ा सा सहयोग करिए और एक बार आप कह देंगे मुख्यमंत्री जी को संदर्भित करते हुए कि एक बार अगर आप कह देंगे, हिंट कर देंगे तो 22,000 सीटों को जोड़ करके उस पर भी काउंसलिंग होगी और सभी अभ्यर्थी जो पास हैं और अच्छे नंबर से हैं बस उस मेरिट तक नहीं पहुंच पाए हैं जिस मेरिट तक हमने पहुंचना चाहिए, ऐसे में वो पहुंच पाएंगे, उनकी भी काउंसलिंग के जरिए उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। तो फिलहाल अगर बात करें आज धरने की, आखिर आज कौन सा धरना है, तो आज धरना एक रखा गया है 97,000 शिक्षक भर्ती को निकालने के लिए। अभ्यर्थियों ने मांग भी की है, काफ़ी जगह अभ्यर्थी पहुँचे भी हैं। बात करें अगर जनता दर्शन की, जो कि मुख्यमंत्री आवास पर भी चलता है और एक गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में चलता है, जो कि शुरू से चलता आया है, बहुत पहले की परंपरा है योगी आदित्यनाथ की, जब वो सांसद थे तब से उन्होंने ये प्रारंभ किया था और आज भी चलती है। तो जल्दी जनता दर्शन में अभी जो शुरुआत की गई उसमें अभ्यर्थी पहुंचे थे 97,000 वाले, उन्होंने मांग भी कर रखी थी कि हमारी जो बातें हैं, जो मांगे हैं वो पूरी की जाए और थोड़ा सा हमारे बातों पर भी विचार किया जाए। मुख्यमंत्री जैसे सबको आश्वासन देते हैं हो जाएगा ठीक है, ऐसे ही इन अभ्यर्थियों को भी उन्होंने बोला हो जाएगा ठीक है। अभ्यर्थी थोड़े खुश भी हैं और थोड़ा सा गलत में भी है, असमंजस में है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सबको वही बात बोली थी जो उनको बोली थी, ऐसे में वो कहाँ तक सही हो पाता है, 97,000 शिक्षक भर्ती कब निकल पाती है और अभ्यर्थी इतनी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को ही अंदर जाने दिया जाता है, मुलाकात करने दिया जाता है, इससे कुछ अभ्यर्थी भी थोड़ा सा नाराज़ रहते हैं कि हमको भी मिलने का मौका मिलना चाहिए और हमें भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 97,000 शिक्षक भर्ती के अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 और बाकी बची जितनी भी वैकेंसीज हैं शिक्षक भर्ती की, जिसमें कुछ न कुछ अभ्यर्थी लटके आए हैं, लटके पड़े हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का भी कल्याण होना चाहिए। उस संदर्भ में अभ्यर्थी संख्या को बढ़ाने के लिए अन्य शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को भी साथ बुलाते हैं, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को ही अंदर जाने का मौका मिल पाता है, ऐसे में किसी एक या दो पॉइंट पर ही अपनी बात रख पाते हैं, बाकी अन्य बचे अभ्यर्थी मायूस लौट के चले आते हैं और अगली बारी का इंतज़ार करते हैं कि अगली बार फिर जाएंगे। ऐसे में तमाम बातों को सुनना चाहिए और उस पर विचार विमर्श करके उस पर आश्वासन के साथ उस कार्य को संपादित करने का प्रयास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना चाहिए। तो फिलहाल अभी 97,000 शिक्षक भर्ती कब आएगी, तो अभी आने वाला है टेट, टेट आने के बाद ही हो पाएगा 97,000 शिक्षक भर्ती, जो कि एक आध महीने में टेट का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद 97,000 शिक्षक भर्ती जो है शुरू की जाएगी। 97,000 शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी अपने प्रयास में लगे रहें। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।